हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम एक वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जो कि ये 10 रो का डिज़ाइन है और ये 8 के मल्टीपल पे चलता है, प्लस 2 फंदा एक्स्ट्रा लेना होता है। बैक साइड से ऐसे दिखता है, फ्रंट साइड से ऐसे दिखता है। इसकी उल्टी रो पूरी उल्टी ही बनती है और 8 फंदे के मल्टीपल पे चलता है और 10 रो का ये डिज़ाइन है। आप इसको जेंट स्वेटर में डालिए, लेडीज़ के किसी भी स्वेटर में डाल सकती हैं। आपका मनपसंद कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये सब पे चलता, ऑल टाइप प्रोजेक्ट पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 8 के मल्टीपल पे 16 प्लस 2 18 फंदे लिए हैं। तो फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। पूरी रो सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड है ये हमारा। सेकेंड रो पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड आ जाते हैं। अब यहाँ से हम अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे करना। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागा सामने, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदा सीधा, 1 2 3। तो देखिए 3 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, तो 8 फंदे हो गए। फिर से रिपीट करेंगे एक बार। रिपीट करते टाइम में आपका बीच में 6 फंदा हो जाएगा। 2 3, देखिए 2 4 6, तो आपका फंदा यहाँ पे बीच में 6 आ जाएगा। रिपीट करते थे, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 2 डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए रो 4th में, पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। राइट साइड रो 5, फर्स्ट रो की तरह 3 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा, 2 6 फंदा उल्टा, 2 3 4 5 6, 2 फंदा सीधा, लास्ट में 3 फंदा उल्टा,
एंड हिस्ट्री सी था। रॉन्ग साइड पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से हमारा पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। अब तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, तीन फंदा सीधा। अब इस फंदे के एक दो तीन चार पाँच में नीडल को ऐसे डालेंगे, एक फंदा निकाले इसमें डाले दो, अब इसको इसके ऊपर से उतार देंगे लेकिन ड्रॉप नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर से इसको ऐसे उतार देंगे लेकिन ड्रॉप नहीं करेंगे। अब यहाँ से एक निकालेंगे, अब इसके ऊपर से इस तीन फंदे को ड्रॉप कर देंगे। अब एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर आ जाते हैं एक दो तीन चार पाँच में। अब यहाँ से ऐसे निकालेंगे लूप, फिर इस वाले होल में से निकालेंगे और इसके ऊपर से इसको उतार देंगे लेकिन ड्रॉप नहीं करेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे, अब इसके ऊपर से उतार देंगे लेकिन ड्रॉप नहीं करें। अब इस होल में से एक और फंदा उठाएंगे और इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, एक फंदा सीधा। बीच में छह फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर देखिए एक दो तीन चार इस पांचवें में से, एक दो, अब इसके ऊपर से इसको ड्रॉप करेंगे लेकिन निकालेंगे नहीं। यहाँ से एक लूप बनाएंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे, इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे पर उतारेंगे नहीं। यहाँ से एक बनाएंगे, इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से एक बना के इस तीन फंदे को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे, इसको सीधा बुन लेंगे, तीन फंदा सीधा।
तीन फंदा उल्टा, ए इसको एज इस चीज को छोड़ के तीन फंदा उल्टा, अब एक इसको चार उल्टा, इसको स्किप कर लेंगे, एक उल्टा इसको स्किप कर लेंगे, अब बीच में दो तीन चार पाँच छः और एक सात, इस वाले फंदे को स्किप कर लेंगे, एक उल्टा इसको स्किप कर लेंगे और लास्ट में तीन फंदा उल्टा। अब देखिए राइट साइड में क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे को स्लिप कर लेंगे और तीन फंदा है ना इसको, और इस तीन फंदे को बैक से पीछे ले लेंगे, इसको सामने लाएंगे। अब यहाँ पे फंदा हमको कम करना है तो दो का एक कर देंगे, एक दो तीन फंदा हो गया, बीच का फंदा चार, अब इधर से हम चार फंदा लेंगे पीछे से, चार फंदा को सामने लाएंगे और एक फंदा पीछे ले जाएंगे। अब इस चारों को लेफ्ट नीडल में लेंगे, एक फंदा सीधा, दो तीन, अब इसको दो का एक कर देंगे सामने, तो हमारे पूरे आठ के आठ फंदे, दो चार छः दो आठ, एक बार और करते हैं, ऐसे भी आप कर सकती हैं ऐसे। अब इस दो फंदे को एक कर दी ना, एक दो चार हो गया, अब इस लास्ट में एक दो तीन और इसको दो का एक कर देना है, ये हमारा 10 रो है और पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए 10 रो में आपका डिज़ाइन बन के ऐसा आएगा, आगे आगे बनाते जाएंगी तो कुछ आपका ऐसा ब्यूटीफुल सा पैटर्न बन के आ जाएगा। तो लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।